हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्तिस पैराडाइज। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज का वीडियो देखिए, एक अच्छा वीडियो जा रहा है, लेकिन थोड़ा कम टाइम के अंदर ही 12-13 मिनट का एक वीडियो मैं दे रही हूँ। यहाँ मेरे बेटा जो 12 साल के हैं, वो कुकिंग चैलेंज लिए हैं, 12 साल का बच्चा, और क्या बना रहे हैं, चिकन करी। तो देखिएगा आप, मज़ा आ जाएगा। इतना छोटा बच्चा कैसे कर रहे हैं, लेकिन सुपरविजन के लिए मैं साइड में खड़ी थी, लेकिन वो नेट से देखकर ये सब बनाए हैं। आप भी देखिएगा कैसा लगा, मुझे बताइएगा। और जाते जाते मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल बटन आता है, उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद एक ऑल ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करके अब मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहिए और मेरे वीडियो को एंजॉय करते रहेंगे। और ये सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर करेंगे तो हम जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे। और मुझे थोड़ा सह लीजिए कीजिए, क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ बातें करते करते, ये शायद मेरा फ्लुएंसी अच्छा हो जाएगा। तो तब तक मुझे माफ़ कर दिया कीजिए और मेरे वीडियो को एंजॉय करते रहिए और मेरे साथ बने रहिएगा। और आप मेरे वीडियो को देखने के लिए मैं बहुत बहुत अनुरोध करती हूँ, आप मेरे साथ बनी रहिए। आइए मेरे ब्लॉग देखेंगे अभी। हाँ जी, सुबह तो हो गई है और सुबह सुबह विंटर का सुबह, तो हम क्या कर रहे हैं देखिए। अभी कॉफ़ी पी रहे हैं, आज टी लेने का मन नहीं हो रहा है, हम एस्प्रेसो कॉफ़ी बना रहे हैं। थोड़ा कॉफ़ी, थोड़ा शुगर और थोड़ा सा गरम दूध एक स्पून जैसा डालकर हम स्टीर कर रहे हैं। उसके बाद ये फोम बन जाएगा, हम एस्प्रेसो कॉफ़ी पियेंगे आज फोम वाला। फिर उसमें गरम गरम दूध डाल रहे हैं और एक सिप तो सुबह ही बन जाता है, तो लगता है कि हाँ बहुत अच्छा, स्वर्ग हमें मिल गया है अभी। देखिए ठंड तो चला जाएगा बॉडी से, फिर काम में लग जाएंगे। आज हमारे हाउस हेल्पर नहीं आए हैं, तो इतने सारा बर्तन कल से पड़ा है, तो मैं आज सुबह सुबह ये सब धो रही हूँ। मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है करने के लिए क्या, लेकिन क्या करें, मजबूर है तो करना ही पड़ेगा, और तो कोई नहीं है। फिर मुझे तो पहले से ऐसे ठंड भी है, अभी एंटीबायोटिक में ले रही हूँ। फिर ये सब बर्तन, ये कितने सारा बर्तन धोते धोते ही एक घंटा लग जाएगा मुझे। फिर धोकर बाकी काम भी घर का निपटाना है। देखिए अभी ये तो बर्तन धुल गया, फिर ये जो डेलिकेट कटलरीज है उसके जगह लेकर रख दूँगी, नहीं तो हाथ लगकर इधर उधर गिर जाता है तो टूट जाने का खतरा रहता है। तो सही टाइम पर सही जगह पर रख देने से बहुत बेनिफिट रहता है, हम बेनिफिट होते हैं। फिर सब बर्तन जो धो के रखे थे, तो ये सब मैं निकाल के उसके जगह रख दूँगी, ताकि ये जो किचन काउंटर, मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए, फ्री हो जाए, ये टब नीचे चला जाएगा। फिर देखिए किचन काउंटर में वॉश कर रही हूँ। सुबह का काम एक लेडीज़ के लिए कितना तकलीफ़ भरा होता है, और थोड़ा बैठने के लिए भी टाइम नहीं होता। सुबह से जब हम उठ जाते हैं तो पूरा दिन जाकर 2 बजे आफ्टरनून को ख़त्म होता है जैसा हम काम। फिर देखिए अभी गैस क्लीन हो गया है, उसके बाद हम यहाँ किचन का काम शुरू करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, तो किचन क्लीन पहले ही होना चाहिए। फिर देखिए मैं सब रूम को झाड़ू लगा रही हूँ, ये भी करना बहुत मुश्किल होता है, कमर में थोड़ा पेन होता है, ये सब करने का मेरा प्रैक्टिस नहीं है, ये सब हाउस हेल्पर कर लिया करती थी, तो मुझे थोड़ा मुश्किल हो रही है, पर मैनेज कर रही हूँ। 2-3 दिन की बात है, वो कहाँ गए होंगे या उनका भी तबीयत ख़राब हो गया होगा, मुझे अभी तक पता नहीं है, कि मैं उनको फ़ोन भी नहीं की हूँ, तो मैं अपने हाथों से ही सब काम कर रही हूँ, मैंने अपने आप ही कर रही हूँ। और ये सब काम ख़त्म हो जाने के बाद ब्रेकफास्ट बनाएंगे, फिर हमारा बेटा आज किचन में लंच बनाएंगे, देखिएगा चिकन करी वो बनाएंगे। अभी दूध डाल रही हूँ डिश में, ये दूध भी गरम कर लेंगे, गरम नहीं बॉईल कर लेंगे, तो गैस पे चढ़ा देंगे। इसके बाद देखिए हमारा बेटा स्वयं चिकन बनाएंगे, इतना छोटा बच्चा, 12 साल का बच्चा है, और वो नेट से देखकर आज मम्मा मैं चिकन बनाऊंगा इसे बोले, और हाफ किलो चिकन वो बना रहे हैं। तो चिकन धोकर उसमें हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल देकर मैरिनेट कर देंगे, आधा घंटा के लिए वो छोड़ देंगे। वो भी वॉइस ओवर करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन उनका ट्यूशन का टाइम हो गया था, वो चले गए, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और देखिए हम ओडिशा में तो पोटैटो का बहुत यूज़ करते हैं, वो वेज हो या नॉन वेज, तो हम चिकन में भी थोड़ा 1-2 पोटैटो डाल देंगे,
अभी देखिए वो गैस लिट कर लिए हैं, उसके बाद कुकर चढ़ाएंगे, कुकर में ऑयल देकर जो साबुत मसाले डालेंगे, साबुत मसाला में इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और ये तेज़पत्ता, जावित्री, ये सब डालकर फिर जीरा ये ऐड कर रहे हैं। उनको सब पता है कौन सा चीज़ को कितने टाइम में डालना है। ये जो मसाला दो ही छोटे छोटे प्याज, प्याज का भाव तो देखिए, इसलिए वो बोले मामा कम प्याज में मैं बना दूंगा। देखिए तो प्याज, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और एक टमाटो डाल के वो ग्राइंड हम ग्राइंड करके दे दिए थे। फिर नमक डाल रहे हैं, ये भुन जाने के बाद ये हल्दी पाउडर, फिर मिर्ची पाउडर, मीट मसाला, गरम मसाला ऐड करके नमक देके वो इसको भून लेंगे अच्छी तरह। फिर ये एक एक करके दिखा रहे हैं तो कौन सा टाइम में क्या डाले हैं मुझे थोड़ा पता नहीं चल पा रहा है, तो आप लोग देख के जान जाइएगा। जैसे हम लोग बनाते हैं मसाला वैसे ही वो कर रहे हैं। फिर इसके बाद वो चिकन ऐड करेंगे, मैरिनेटेड चिकन को। आप देख रहे हैं ना कितना छोटा बच्चा है और कितना क्यूट है, कितना उनको भी हाइट भी नहीं हो रहा है वो सब करने के लिए, लेकिन सुपरविजन के लिए मैं नज़दीक खड़ी हूँ, नहीं तो कुछ मिस हैपन होने का चांस रहता है। तो बच्चों जब कुछ सीखते हैं तो कोई एल्डर पास रहना ही बड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तो हाथ जलने का या कुछ भी मिस हैपन होने का खतरा बना रहता है। तो बच्चे जब सीखते हैं आप लोग उनके पास रहिएगा। देखिए अभी पोटैटो भी ऐड किए हैं, उसके बाद ये दोनों चिकन और पोटैटो ये दोनों को मिलाकर वो भून लेंगे। भून लेने के बाद वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद लिड डालकर 6-7 सीटी आ जाने के लिए हम वेट करेंगे, हो जाएगा। उसके बाद चिकन, चिकन में थोड़ा कम पानी ही देना चाहिए क्योंकि ऐसे चिकन तो पानी छोड़ता है और कितने भी भुने आप थोड़ा तो पानी वो छोड़ ही देता है। तो थोड़ा सा ही पानी जब प्रेशर कुकर में कर रहे होते हैं थोड़ा सा ही पानी देना चाहिए, अंदाज से देना चाहिए। हम जब लेडीज़ करते हैं ना हमको पता चल जाता है, लेकिन बच्चे लोग करते हैं तो भी उनको थोड़ा गाइड करना पड़ता है। और वो बोले मुझे लच्छा पराठा के साथ मामा चिकन दे दो, तो मैं लच्छा पराठा भी बना लिया और उनको खाने को दे दी हूँ। बच्चे खुश तो हम भी खुश, और लगता है जैसे बच्चों की खुशियों के जब खुश हो जाते हैं तो हमें जन्नत जैसा मिल जाता है। अभी देखिए मैं पालक को छांट के रख दूंगी, अभी धनिया का पत्ता को भी छांट के रख रही हूँ। इसको मैं नहीं धोऊंगी क्योंकि धोने के बाद पत्ता ड्राई होने में लेट हो जाता है और बाद में वो फ्रिज में ज़्यादा दिन नहीं रहता, तो ऐसे ही मैं रख रही हूँ और जब यूज़ करूँगी तब धोकर यूज़ कर लूँगी। इस तरह ही मैं जब वो ज़्यादा हो जाता है बड़ा कंटेनर में रखना चाहिए, अभी तो रह गया इसके अंदर तो मैं रख दी हूँ। इस तरह मैं ड्राई ही रखती हूँ। अभी देखिए पालक का पत्ते को मैं छांट रही हूँ, इसको छांट के रखने के बाद धो लूँगी, दो बार पानी में धो लेंगे क्योंकि जो मिट्टी रहेगा वो भी सब निकल जाएगा। इस फिर बाद में जब ड्राई हो जाएगा ना तो उसके बाद फ्रिज में ट्रांसफ़र कर देंगे कोई एक एयर टाइटर कंटेनर में, कल यूज़ करेंगे। आज तो चिकन बन गया है इसीलिए ये सब भेज आज नहीं बनेगा, कल सोमवार का दिन है तो अच्छा दिन है, पालक मटर पनीर कुछ भी कर लेंगे। मैं सोच रही हूँ मटर और पनीर पालक बना लूँ कल, लेकिन मेरी बेटी श्यामा नहीं खाती है, उनके लिए और कुछ बना लेंगे। देखिए अभी मैं पालक को धो लूँगी, धोकर उसमें छान के रख दूँगी। जो स्ट्रेनर है, इस तरह की स्ट्रेनर भी आप लोग रखिए, बहुत इजी हो जाता है जब साग वगैरह हम बनाते हैं तो बहुत इजी होता है। लीफी वाले सब्जी के लिए ये स्ट्रेनर एक ज़रूरी हो जाता है, ये बहुत अच्छी चीज़ें अभी मार्केट में आ जाते हैं तो यूजफुल होता है, तो लेकर आना चाहिए, काम भी बहुत आसान हो जाता है। अभी मैं इसको एक जगह डिश रख के रख लूँगी, पानी बाहर ना गिरे। हो गया हमारा ये किचन में थोड़ा सा काम जो रह गया था, अभी मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी। अभी देखिए ये इवनिंग हो गया है, 4:30 को मेरी सिस्टर आई है, बच्चे लोग सब खेल रहे हैं, उनका कुछ प्रॉब्लम तो हो गया, दोनों तीन भाई बहन के भीतर गुस्से से पूरा सब नाराज थे, तो मेरी सिस्टर आकर समझा रही थी कि भाई बहन होकर खेलना चाहिए, इसे क्यों झगड़ा कर रहे हो। लेकिन ऐसा हो जाता है जब दो चार लोग एक जगह हो जाते हैं तो ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो निकल आती है, और बच्चे उसमें हो तो और ज़्यादा ही होता है। देखिए कितना रिकुल नाराज़ है, ये मेरा बहन का बेटा है, शानू भी है,
और देखिए अभी डिनर में बना रही हूँ, डिनर में चिकन कोफ्ता करी बनाएंगे। तो चिकन को मैं ग्राइंड करके रखी हूँ, मतलब कीमा बनाकर पेस्ट जैसा। उसके बाद एक देखिए वो जो चॉपर में मैं प्याज एक छोटा छोटा एक दो प्याज और एक एक दो हरी मिर्च और धनिया का पत्ता लेकर इसको मैं चॉप कर लूँगी। ये बहुत आसान तरीका है चॉपर के लिए, आपको छुरी लेके चाकू लेके कट करते रहना बहुत मुश्किल होता है, टाइम भी चला जाता है। इसमें थोड़ा सा टाइम देने से अच्छा हो जाएगा। चिकन में हम ये ऐड कर लेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। थोड़ा नमक भी ऐड कर रही हूँ, फिर मीट मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, फिर उसके बाद गरम मसाला, जीरा पाउडर या धनिया पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मिर्ची पाउडर अभी दे रही हूँ, उस देखिए हल्दी भी ऐड की हूँ मैं तो पहले से ही बता दी। ये हुआ थोड़ा सा भुना हुआ बेसन, ये अच्छा बाइंड करेगा। ये हुआ ब्रेड क्रम, आपके पास ब्रेड क्रम नहीं है तो दो चार पीस ब्रेड को लेकर मसाला ग्राइंडर जो जार रहता है उसमें थोड़ा चला लेंगे तो भी ब्रेड क्रम बन जाएगा। उसके बाद सबको मिलाकर हम गूंद लेंगे, गूंद लेने के बाद छोटा छोटा मटर चिकन बॉल बना लेंगे। ये आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग चिकन कोफ्ता बनाते हैं उन लोगों को पता ही होगा। फिर बाद में देखिए इसको हम छान के रख लेंगे, डीप फ्राई कर रहे हैं। डीप फ्राई होने से ये बॉल ना टूटता नहीं है, खतरा नहीं रहता टूट जाने का, नहीं तो बहुत अच्छा होता है। आप ऐसे ही रख लीजिएगा फ्रीज में, थोड़े टाइम के बाद भी आप ग्रेवी बना के उसमें डाल सकते हैं। डीप फ्राई ना करने से भी चलेगा, वो भी बहुत टेस्टी रहता है, ओरिजिनल टेस्ट आ जाता है उसमें। फ्राई होने के बाद और थोड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है। फिर हम पैन चढ़ाए हैं, उसके बाद ऑयल, ऑयल के बाद साबुत मसाले, आप लोगों को पता ही है, इलायची, दालचीनी, लौंग और तेज़पत्ता, जीरा, ये सब। फिर जो अदरक, प्याज और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं, यहाँ टमाटर मैं नहीं दी हूँ। फिर गरम मसाला, मीट मसाला, ये सब, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये सब ले देंगे। फिर नमक भी ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार थोड़ा शुगर भी ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा स्वीट सा टेस्ट रहता है। अभी धनिया पत्ता मैं ऐड कर रही हूँ, अच्छा कलर दिख रहा है, आप लोगों कैसा दिख रहा है मुझे पता नहीं चल पा रहा है। देखिए अभी दही और टोमेटो सॉस देना चाहिए, फिर बाद में हम चिकन बॉल ऐड कर लिए हैं। उसके बाद थोड़ा भून लेंगे, भून लेने के बाद थोड़ा सा ही पानी, एक कप पानी देंगे क्योंकि हम इसका ज़्यादा ग्रेवी नहीं कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही टेस्ट लगेगा। फिर लीड दे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए, यहीं तक ही था, आज बहुत बड़ा वीडियो नहीं दी हूँ। वैसे तो मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, आज का दिन पूरा काम काम काम, वो जो हेल्पर नहीं आ रहे हैं तो कितना काम मुझे करना पड़ता है। जो भी मेरे हाथ से हुआ है, थोड़ा थोड़ा वीडियो शूटिंग की हूँ, एडिटिंग की हूँ, और आप लोग देखिएगा और अच्छा लगेगा तो मुझे लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, तो वो क्या होगा कि हमारा जो ये चैनल ग्रो करेगा। और मेरे हिंदी पे मत जाइएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं बोल लिया करूँगी क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं है, फ्लुएंसी भी नहीं है। तो पहले मैं बाहर रहती थी तो जो बेंगलोर गोवा में रहती थी तो बहुत अच्छी तरह बोल लेती थी, लेकिन अभी उड़ीसा में भुवनेश्वर में नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा मेरा जो बोलते वक्त लग जा रहा है, तो आप माइंड मत कीजिएगा, मुझे थोड़ा सह लीजिएगा। उसके बाद जितने बोलूँगी उतना ही मेरा प्रैक्टिस होगा और उसके बाद आपको मैं बहुत अच्छी तरह प्रेजेंटेशन दे पाऊँगी, तो मुझे थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। और मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल बटन आता है उसको भी क्लिक कीजिए और मेरा वीडियो को एंजॉय करते रहिएगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जाइएगा, और कल एक नया वीडियो के साथ मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग। नमस्कार, जय जगन्नाथ।